भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पर्वतनी एकादशी 17 सितंबर दिन शुक्रवार को है। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। उस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की आराधना की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि पर्वतनी एकादशी की कथा क्या है। एक बार युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण से पर्वतनी एकादशी के व्रत के बारे में जानने की इच्छा हुई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें पर्वतनी एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में दैत्य राज बलि भगवान विष्णु का भक्त था। उसके पराक्रम से देवता और इंद्र भयभीत थे। इंद्रलोक पर उसका कब्जा था। उसके भय के डर से सभी देव भगवान विष्णु जी के पास गए। इंद्र समेत सभी देवताओं ने दैत्यराज बलि के भय से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया। उसके बाद वो दैत्यराज बलि के पास गए और उससे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब वामन देव ने अपना विकराल स्वरूप धारण किया। उसके बाद 1 पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप दी। फिर उन्होंने बलि से कहा कि वो अपना 3रा पग कहाँ रखे। तब उसने कहा कि प्रभु 3रा पग आप अपने मस्तिष्क पर रखे। ये कहकर उसने अपना शीश प्रभु के सामने झुका दिया। इसके बाद प्रभु वामन ने अपना 3रा पग उसके सर पर रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु के वामन अवतार के उद्देश्य पूर्ण हुआ और देवताओं को बलि के भय से मुक्ति भी मिल गई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।